بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So today our lecture is, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या क्या इसमें बेसिक क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे. और कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि हमें प्रोग्राम भी पढ़ाया जाए, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है. अगर हम डायरेक्ट प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. हम पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा कोर्स, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग के ऊपर जाएंगे कि हमने किस तरह प्रोग्राम डिज़ाइन करना. हाँ, थोड़ा थोड़ा बता दिया करूँगा कि प्रोग्राम डिज़ाइन किस तरह करना है. हम अपने तीसरे लेक्चर के बाद कंप्लीट एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे. हम पहले चैप्टर में हमने कुछ ओवरव्यू किया था, कल थोड़ा सा स्टडी किया था, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ओवरव्यू ऑफ अ प्रोग्राम, द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज. हम स्टडी करेंगे नेचुरल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, फंक्शनल इंपरेटिव एंड लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट. कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हम सारे स्टडी करेंगे. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेन कंपोनेंट कंप्यूटर के दो हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. लाइक दैट ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, उसके बाद मेमोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं. हार्डवेयर कह लें, हार्डवेयर डिवाइसेस कह लें, हार्डवेयर कह लें, डिफरेंट नाम से हार्डवेयर कंपोनेंट कह लें, डिफरेंट नाम से ना बोला जाता है. इसमें देखें आप, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड और ये सारी. उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में ये आ जाता है मॉनिटर, स्पीकर एंड सिस्टम, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास ये आ जाती हैं डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड अदरवाइज. उसके बाद मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. हमारे पास कंप्यूटर के दो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूजर और सॉफ्टवेयर के दरमियान अट्रैक्शन करता है, मतलब कि लिंक जो बनाता है वो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. जैसे लाइक दैट विंडो, विंडो हमारा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर और यूजर के दरमियान एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे हम एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके और काम करते हैं. उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ये सॉफ्टवेयर लाइक दैट, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और डिफरेंट कहते हैं, काफ़ी नाम जैसे लिए जाते हैं. जिसपे हम लाइक दैट विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. हम इसके ऊपर अगर वर्ड पे काम करते हैं, जैसे मैं पीपीटी पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो पीपीटी पे जब हम उस पर वर्किंग करते हैं, जो पावर पॉइंट को डाउनलोड करते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. दिस इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जैसे व्हाट्सएप है, उसके बाद एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड अदर अदर जितने भी हैं, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. ऑपरेटिंग हमें प्लेटफॉर्म ही करता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें लिंक करके एक राइटर और एक एडवाइजर दोनों को लिंक करता है. लाइक दैट आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं एक पेज के ऊपर लिख रहा हूँ, तो जो पेज है वो मेरा, जो पेज है वो मेरा प्लेटफॉर्म है, और जो मैंने पेन पकड़ा हुआ है और जो मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों मेरे लिंक कर है. हम देखते हैं प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डेवलप टू असिस्ट अ कंप्यूटर यूजर इन अकम्पलिशिंग स्पेसिफिक टास्क. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी नीड टू राइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट. वॉट इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर.
आ कंप्यूटर, आ कंप्यूटर टू डू समथिंग फॉर यू विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर टू डू समथिंग फॉर यू विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसे क्यों बनाया गया, प्रोग्रामिंग हमारी लैंग्वेज क्यों इन्वेंट की गई, क्या वजह थी इसके पीछे, लॉजिक क्या थी. इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम हमारे मिसाइल लाइक दैट हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी होता है एग्जाम्पल के तौर पर. लाइक दैट हम कहते हैं ए प्लस बी जी, हम कहते हैं कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. अब हमें ये पता है कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने किसी को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए हम उसे कहते हैं कि 5 और 5 10 होते हैं, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. वो कैसे मानेगा कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा. इसलिए हम इन्हीं प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग की बुनियाद रखी थी. जिस तरह हमने व्हाट्सएप डिज़ाइन करना था, कोई जैसे टिकटॉक आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो डिज़ाइन करना था. उसके बाद हमने डिफरेंट गूगल डिज़ाइन करना था, हमें हर एक चीज़ की प्रॉब्लम गूगल के ऊपर मिल जाती है. कोई भी हमें प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करना हो तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, इसीलिए हमें गेट हो जाता है. इसीलिए हम इन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आए जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज हम आगे जाकर स्टडी करेंगे. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन और अ स्पेसिफिक टास्क. डिस्प्ले आई लाइक प्रोग्राम डिस्प्ले द करंट टाइम. हम अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन और स्पेसिफिक टास्क. हमें क्या काम करना है, किसके ऊपर काम करना है, किस तरह काम करना है, ये सारी की सारी जो है आपको उसमें मिलेगी, प्रोग्रामिंग में मिलेगी. ये डिटेल हम आगे जाके इसे सारा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू करेंगे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन तरह की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू अ स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज. इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक स्पेशल पर्पस है और दूसरी जनरल पर्पस है. स्पेशल लाइक दैट आप नाम से जाहिर कर सकते हैं, स्पेशल खास है और जनरल आम से. जनरल मीन्स दैट आम नहीं, यू समझ सकते हैं कि ये हर जगह इस्तेमाल हो सकती है. स्पेशल पर्पस इट डिज़ाइन फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन. इसे हम मखसूस जिसे कहते हैं वेरी इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन डिज़ाइन होती हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रक्चर करियर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है. जनरल पर्पस लैंग्वेज कैन बी यूज टू ऑब्टेन सॉल्यूशन फॉर मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इसे हम बहुत सी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करें, जिनमें असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है एंड हाई लेवल लैंग्वेज है. मशीन लैंग्वेज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म टू प्रोसेस बाय मशीन कंप्यूटर. ये हमारी बाइनरी फॉर्म में होती है और इसे मशीन लैंग्वेज ये मशीन की काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती है और ह्यूमन से दूर होती है. आगे हम पढ़ते हैं ये टाइप है किसकी है, जनरल पर्पस लैंग्वेज की. फॉर द ह्यूमन लैंग्वेज जैसे जी, फॉर द ह्यूमन लैंग्वेज ये इंसान से बहुत दूर होती है बट क्लोज द कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के नज़दीक होती है. इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. कंप्यूटर इसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन वुमेन के लिए, इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है इसे अंडरस्टैंड करना.
जैसे हम कहते हैं कि जी यहाँ पे 101 101 इसकी फॉर्म होती है, जनरल नेचुरल लैंग्वेज ऑफ अ मशीन। जनरल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर एंड ओ एस एंड आई वन एस, इसमें नंबर्स होते हैं, जीरो होते हैं, लाइक दैट। प्रोग्रामिंग ए मशीन कोड इज डिफिकल्ट एंड स्लो सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये बहुत मुश्किल होती है कोडिंग इसकी, कि हम किस तरह इसे अंडरस्टैंड कर सकें। मिस्टेक कैन हैपन वेरी इजीली, इसमें बहुत सही मिस्टेक हो सकती है और बहुत इजीली हो सकती है। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इनेबल मशीन कोड टू द रिप्रेजेंट इन वर्ड एंड नंबर्स। जबकि मशीन लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी, उसे रीड करना बहुत मुश्किल था, उसमें अपडेट की गई, उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट, असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज में देखा हमने कि हमने कुछ वर्ड लेटर लिए, कुछ डिजिट लिए, उन्हें मिला के एक लैंग्वेज बना दी। एग्जाम्पल आवर प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, लहजा से लोड A9999, उसके बाद लोड B A2A2 एंड सब B एंड MOV एंड C A, इस तरह की हमने लैंग्वेज नो असेंबली लैंग्वेज डिजाइन की। अरेज टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, कंप्यूटर टू मशीन कोड बट स्टिल क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज। क्या कहते हैं, कहते हैं कंपेयर टू मशीन कोड बट स्टिल क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज। ये असेंबली लैंग्वेज थी, थोड़ी इजी थी लेकिन इतनी भी इजी नहीं थी कि इंसान इसे इजीली समझ सके, और कंप्यूटर के करीब भी थो काफी थी ये भी। कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर, मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग असेंबली। ह्यूमन से जैसे पहली मशीन लैंग्वेज किसके करीब थी, कंप्यूटर के करीब थी, और ह्यूमन से काफी, इंसान से काफी दूर थी, मतलब दूर मींस दैट इंसान की समझ से बाहर थी, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। असेंबली लैंग्वेज इंसान की समझ में तो थी, करीब थी, लेकिन कंप्यूटर से काफी दूर थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने असेंबली लैंग्वेज के लिए, उसके लिए हमने एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया जिसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर, असेंबलर के जरिए हमने इसकी लैंग्वेज लैंग्वेज को कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में, फिर कंप्यूटर को रीड करवाया। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज डिपेंड प्रोग्राम लैंग्वेज दैट कंबाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इंग्लिश वर्ड। एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से काफी बेस्ट थी, इंसान के करीब थी और कंप्यूटर से काफी दूर थी। इसमें हमने क्या चीजें इस्तेमाल की, इसने इसमें हमने अलजेब्रिक साइन इस्तेमाल की, जैसे हैश, उसके बाद एड, इस तरह के ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल के साइन, और डिजिट कुछ इस्तेमाल किए, और कुछ हमने इसके इंग्लिश वर्ड ABC इस्तेमाल की। प्रोसेस इंडिपेंड, द सेम कोड कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्रोसेस। हमने इसके ऊपर डिफरेंट कोड रन किए चेक करने के लिए क्या ये सही काम करती है। तो ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज से काफ़ी इजी हो गई थी और हमें समझने में आसान हो गई थी और काफ़ी बेस्ट थी। एग्जाम्पल बेसिक, फोर्टन, पास्कल, कोबाल, कोमल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये डिफरेंट लैंग्वेज हैं इसके एग्जाम्पल। हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेट कंपाइल्ड, क्योंकि अब ये कंप्यूटर से काफ़ी डिफिकल्ट थी, काफ़ी दूर थी, कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें इसे ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ी। टू मशीन कोड बाय प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेस। हमने अपनी कोड को लिखा, लिखने के बाद उसे कंपाइलर किया, कंपाइल करने के बाद फिर उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें चीज़ हासिल हुई वो हमारी ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया पानी में, फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हुआ कि ये क्या लिख रहे हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं ये देख सकते हैं, कोबाल, लिस्प, फोर्टन, सी, प्रोलॉग, एट, डिफरेंट हैं। जैसे हम कोबाल देखें बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसके बाद लिस्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होती है, प्रोलॉग ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होती है, उसके बाद जावा स्पोर्ट वेब
प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सी प्लस प्लस फोर्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट टाइप में ये देख सकते हैं। उसके बाद टूल यूज बाय डेवलपर, डेवलपर कौन कौन से टूल यूज करता है एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए, एडिटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, डीबगर, लिंकर एंड लोडर। एडिटर यूज टू राइट अ पीस ऑफ कोड, हमने जो कोड लिखना है क्या लिखना है वो एडिटर को बताता है। दिस ह्यूमन रीडेबल कोड इज कॉल्ड सोर्स कोड। सिंपल टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज्ड यूज्ड एज एन एडिटर, सी प्रोग्राम फाइल एंड विद सी एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल मैं पेज के ऊपर लिख रहा हूँ आई लाइक प्रोग्रामिंग, या मैं लिख रहा हूँ हेलो सर। अब मुझे पता है कि मैंने क्या लिखना है, किस तरह लिखना है और किस चीज से लिखना है, लाइक दैट एडिटर। कंपाइलर, कंपाइलर ट्रांसलेट द ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे हमने पहले बात की कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत फार है कंप्यूटर से, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज की समझ नहीं आती, इसलिए हम इसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, वो जिसे इसका नाम है कंपाइलर। कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड, ये इंसान के लिखे हुए अल्फाज को कन्वर्ट करता है, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, टू मशीन रीडेबल कोड ऑब्जेक्ट कोड में। ये मशीन को देता है और मशीन को अंडरस्टैंड करवाता है बाइनरी फॉर्म में। ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इनटू इन गो एंड गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ द प्रोग्राम। फिर ये ट्रांसलेट करने के बाद पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद हमें डिस्प्ले करवा देता है। सी कंपाइलर मतलब लाइक दैट सी लैंग्वेज। चेक फॉर सिंटैक्स एरर इफ एनी ऑन सक्सेस। कन्वर्ट सी सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम व्हिच इज नियरेस्ट टू मशीन। जब हम इसे कंपाइलिंग कर लेते हैं तो ये मशीन के बहुत नज़दीक हो जाता है, तो फिर हमें मशीन को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इंटरप्रेटर हमने पहले पढ़ा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। टूल यूज बाय डेवलपर में क्या क्या पढ़ा था हमने, एडिटर पढ़ा, कंपाइलर पढ़ा, सी कंपाइलर पढ़ा और इंटरप्रेटर पढ़ा। इंटरप्रेटर हमने शुरू किया। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम है, दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं, इनमें डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट देयरफॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्लोली। ये लाइन बाय लाइन करता है और स्लोली करता है, डज नॉट गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, ये कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता प्रोग्राम में। डीबगर हेल्प टू डीबग द प्रोग्राम, रेक्टिफाई द एरर, हेल्प इन ट्रेसिंग द लॉजिकल एरर। डीबगर क्या कहता है कि हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो डीबगर उसे फाइंड करता है कि इसमें कौन कौन से एरर है। और उन एरर को हमें शो करवाते हैं। लिंकर, अ लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट कंबाइन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल टू फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग। लिंकर दैट ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी आर प्री डिफाइंड एंड दिस कंटेन बेसिक फंक्शन विच आर एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। This function are linked to the library by a programming called linker. Process is called linking. Convert object code to single executable code. ये words काफी difficult है तो मुझे जरा इसमें पढ़ने में difficult हो रहा है, काफी मुश्किल पेश आ रही है। Executable, sorry. कुछ वर्ड होते हैं जो उस बात पे नहीं चढ़ते।
लिंकर क्या करता है, लिंकर प्रोग्राम को कंपाइन करके सोर्स फाइल, इसके हम डायग्राम से समझते हैं लिंकर क्या होता है। ये देखिए, ये सोर्स फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल। सोर्स फाइल मींस दैट हमने बताया कि सोर्स फाइल जो हम अल्फाज लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसे सोर्स फाइल कहते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी के रन टाइम लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी को लिंक करने के लिए लिंकर इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट फाइल गेट करता है और उसे लाइब्रेरी से कुछ डाटा गेट करता है कि क्या ये लाइब्रेरी में मौजूद है डाटा। उन दोनों को लिंक करवा के वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। लिंकर, लिंकर क्या है? अ लिंकर इज अ प्रोग्राम, एक लिंकर एक प्रोग्राम है दैट कंबाइन टू ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स या फाइल टू फॉर्म एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग। ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग में क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेता है और लिंकर सोर्स फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल में। समझने की कोशिश कीजिएगा, सोर्स फाइल को जब ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर गेट करता है, उसके बाद लाइब्रेरी से डेटा वसूल करता है कि इसमें क्या 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 जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। उन दोनों को लिंक करवा के उन उस डेटा को, जस्ट इस लिंकर का काम है लिंक करना, लिंक करवा के उसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट या फाइल में कन्वर्ट कर देता है। आगे हम डिटेल से समझते हैं कि एग्जीक्यूटेबल क्या प्रोग्राम क्या होता है। लोडर, लोड द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी, प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। जो लोडर है वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, फाइल है या प्रोग्राम है, इसे हम यहां से समझते हैं। हमने एडिटर ने क्या किया, कुछ प्रोग्राम लिखा, सोर्स फाइल में कन्वर्ट हुआ, कंपाइलर आया, कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद देखा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। कंपाइलर ने देखा कि इसमें क्या क्या हो रहा है और उसे अगर तो एरर है तो उसे शो करवा के अनसक्सेसफुल एरर मैसेज देके प्रोग्राम को बंद कर दिया। अगर प्रोग्राम ठीक है, उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फाइल मीन्स दैट बाइनरी फॉर्म और सोर्स फाइल मीन्स दैट टेक्स्ट फॉर्म। सोर्स फाइल हमें एबीसी फॉर्म में है, कंपाइलर उसे कंपाइल करने के बाद किस बाइनरी फॉर्म में ले जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल में। अब लिंकर क्या क्या काम है, ऑब्जेक्ट फाइल को और अदर ऑब्जेक्ट फाइल मतलब लाइक दैट लाइब्रेरी से दोनों डाटा को उठाता है, मैच करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल में लोड कर देता है। फिर लोडर क्या करता है, लोडर उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसे डिस्प्ले कर देता है इनपुट डिवाइसेस के लिए, जैसे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले रिजल्ट हमें मुहैया कर देता है कि ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें ये चेंजिंग, ये काम किया है, इसका ये डिस्प्ले होगा। अगर प्रोग्राम गलत है तो यहाँ पे एरर, प्रोग्राम एंड। हमें किस चीज की समझ नहीं आ रही थी, लिंकर की। लिंकर क्या करता है, बाइनरी फॉर्म को लेता है और लाइब्रेरी में जाता है, उनको मैच करवाता है, मैच करवा के चेक करता है, लिंक करवाता है कि क्या ये प्रोग्राम ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्रोग्राम तो हमारा ठीक चल रहा है, लिंक उसे लाइब्रेरी में कुछ चीजें डाटा लेता है, सेव करके उसे एग्जीक्यूटेड फाइल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, अ पैकेज दैट कंबाइन अ सिंपल वर्ड प्रोसेस विद द कंपाइलर एंड लिंकर एंड लोडर। सी प्रोग्राम लैंग्वेज, YC, बेस्ड ऑन ही डेवलप्ड बाय एट बेल लेबोरेटरीज इन 1962, डेंस रेक्स्ट एट AT&T,
बेल लैब्स एंड यूएसए, ये देख सकते हैं ये कब लैंग्वेज बनी थी, किस बेस पे बनी थी, 1972 में बनी थी, इसकी बेस क्या थी, बेल थी। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आउट इन 1983 एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश अ कमिटी टू प्रोवाइड अ मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द थ्री रिजल्ट। Why still C provide efficiency, high performance and high quality. C provide efficiency, high performance and high quality. Provide function through reset of function library. Gateway for ML professional language like C, C++, Java is used. C is used. System software, compiler, editor, graphic and geometric database, operating system and device driver also used in application program. A simple program in C. Hash include stdio.h.